अंबानी फैमिली की छोटी बहू अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी के बारे में कौन नहीं जानता है। 80 के दशक में उनके नाम का डंका बॉलीवुड में बजता था। वो बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस थी। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने देव आनंद की फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड में एंट्री की थी। धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे और मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी से इनका लंबे समय तक अफेयर चला। इनकी शादी में काफ़ी अड़चनें आई, लेकिन साल 1991 में दोनों एक दूसरे के हो गए। एक एक्ट्रेस के रूप में टीना मुनिम काफ़ी सफल रही, लेकिन फिल्मों से ज़्यादा वो अपनी लव अफेयर्स को लेकर सुर्खियों में रही। एक समय संजय दत्त के साथ उनका जोरदार अफेयर चला। 1981 में आई रॉकी में टीना मुनिम ने संजय दत्त के साथ काम किया था। ये संजय दत्त की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों में नज़दीकियां बढ़ी। टीना मुनिम संजय दत्त के प्यार में पागल थी, लेकिन संजय दत्त के ड्रग्स की लत की वजह से बाद में वो उनसे दूर हो गई। संजय दत्त के बाद टीना मुनिम का राजेश खन्ना से अफेयर चला। राजेश खन्ना टीना मुनिम से उम्र में काफ़ी बड़े थे। दोनों लिव इन में काफ़ी समय तक साथ भी रहे, लेकिन शादी नहीं की। राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया को तलाक नहीं दिया था। अनिल अंबानी ने पहली बार टीना मुनिम को एक शादी के फंक्शन में देखा था। अनिल अंबानी ने एक बार कहा था कि उन्हें टीना मुनिम से पहली नज़र में प्यार हुआ था। टीना शादी में ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर आई थी। अनिल अंबानी को वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगी, लेकिन उन दोनों के बीच शादी के फंक्शन में कोई बातचीत नहीं हुई थी। कुछ समय बाद अमेरिका के फिलाडेल्फिया में अनिल अंबानी और टीना मुनिम की मुलाकात हुई। वहां उनके एक जानकार शख्स ने टीना और अनिल का परिचय करवाया था। तब अनिल अंबानी ने टीना मुनिम से कहीं घूमने का प्रस्ताव रखा। उस वक्त टीना एक बड़ी स्टार थी। उन्होंने अनिल अंबानी का ये ऑफर ठुकरा दिया। अनिल अंबानी से टीना मुनिम की मुलाकात बाद में भी हुई। साल 1986 में टीना मुनिम की एक भतीजी ने ये मुलाकात करवाई थी। उस दौरान दोनों ने गुजराती भाषा में ही बातचीत की। इस मुलाकात के बारे में एक इंटरव्यू में टीना मुनिम ने बताया था कि वो अनिल अंबानी की सादगी और साफ गोई से काफ़ी इम्प्रेस हुई। इसकी वजह शायद ये थी कि अब तक टीना फिल्मी बैकग्राउंड के लोगों से ही ज़्यादातर मिलती थी। फिर टीना मुनिम और अनिल अंबानी में अफेयर शुरू हो गया। अनिल और टीना शादी करना चाहते थे, लेकिन अंबानी फैमिली इसके लिए तैयार नहीं थी। धीरूभाई अंबानी का परिवार परंपरागत विचारों का था। उनका मानना था कि फिल्मी बैकग्राउंड वाली लड़की उनके यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अनिल अंबानी ने अपनी बात मनवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद टीना मुनिम अपनी फिल्मों का बचा काम पूरा करने के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। दोनों के बीच करीब 4 साल तक कोई संपर्क नहीं रहा। कभी कभी बात हो जाती थी, लेकिन टीना मुनिम इस रिश्ते के टूटने से काफ़ी दुखी थी। अंबानी परिवार अनिल अंबानी की शादी करना चाहता था और इसके लिए कई रिश्ते आ रहे थे, लेकिन अनिल अंबानी ने किसी दूसरी लड़की से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। जब परिवार के लोगों को ये बात समझ आई कि अनिल टीना से ही शादी करेंगे, तो वो रिश्ते के लिए तैयार हो गए। इसके बाद अनिल अंबानी ने टीना मुनिम को फ़ोन करके भारत लौटने को कहा। टीना मुनिम जब भारत लौटी तो अनिल अंबानी ने उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाया। इसके बाद दोनों के परिवार आपस में मिले और उन्होंने शादी के लिए रजामंदी दे दी। पहले सगाई हुई, उसके बाद साल 1991 में दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। ये शादी परंपरागत गुजराती तरीके से हुई। इस शादी में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई।